नमस्कार साथियों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, आज बात करेंगे ITI CBT एग्ज़ाम 2022 यानी आपकी 25 अप्रैल से ITI की फिर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है और ये 3 फेजों में होगी। अब बात करें दोस्तों, क्या आपकी परीक्षा अभी तक नहीं हुई है, यानी काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके CBT एग्ज़ाम के फॉर्म फिल कर दिए हैं लेकिन एग्ज़ाम नहीं हुई है। तो अभी जो एग्ज़ाम होगी वो 2018-20 और 2019-21 के वो बच्चे जिनकी अभी CBT एग्ज़ाम नहीं हुई है, चाहे वो फर्स्ट ईयर की हो या सेकेंड की, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं, लगभग ज़्यादा नहीं 40% बच्चे जिनके अभी भी CBT एग्ज़ाम नहीं लगी हुई है। तो काफ़ी बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे एग्ज़ाम कब होगी, तो उनके लिए DGT ने एक लेटर जारी किया है और उसमें क्लियर कर दिया है कि आपकी 25 अप्रैल से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है। तो आपके लिए ये बहुत अच्छी खबर है। तो अब वापस से अपनी तैयारी स्टार्ट कर देना। उस चैनल के माध्यम से आपको ITI CBT एग्ज़ाम के पेपरों का एनालिसिस कराया जाता है, तो आप यहाँ से भी CBT एग्ज़ाम के पेपरों का एनालिसिस कर सकते हैं, यानी आपकी पिछली बार के जो भी पेपर आए वो यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, यानी किस प्रकार आपका ये टाइम टेबल है। तो दोस्तों, ये आपका जो लेटर है, ये लेटर आपका 8 अप्रैल 2022 को जारी हुआ था, ठीक है। तो इसमें दे रखा आपका यानी CBT एग्ज़ाम लेटर ऑफ रेगुलर ट्रेनिंग, ठीक है, एनुअल पैटर्न सेशन 2018-20 और 2019-21 सेकेंड ईयर 1 ईयर और 6 मंथ कोर्स, यानी सभी की, भले वो फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम हो, सेकेंड ईयर की हो, या 6 मंथ वाली हो, या 1 साल की थी, सभी की CBT एग्ज़ाम से रिगार्डिंग ये लेटर जारी हुआ है। तो अब इसमें क्या और किस प्रकार है पूरी चीज़ डिटेल से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लगभग सभी बच्चों के मेरे हिसाब से एग्ज़ाम फॉर्म भरे हुए हैं। अब इसमें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यानी आपके शेयरिंग ऑफ डाटा सेंटर, मैपिंग ऑफ जनरल हाल, यानी आपके जो एडबोन नाम सेंटर है, तो सेंटर के लिए 12 अप्रैल से लेके और 14 अप्रैल तक आपको बता दिया जाएगा कि आपका सेंटर इन स्थानों पर दिया जाएगा। इसके बाद में डाउनलोड ऑफ हॉल टिकट, यानी आपके जो एडमिट कार्ड है वो एग्ज़ाम से 10 दिन पहले जारी कर दिए जाएंगे, यानी अगर 25 अप्रैल से आपकी एग्ज़ाम है तो आपके 15 अप्रैल को एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। अब ये आपकी CBT एग्ज़ाम। तो दोस्तों, CBT एग्ज़ाम आपके 1, 2, 3 फेजों में जारी होगी और पहला जो फेज है वो 25 से लेकर 30 तारीख के बीच में होगा, यानी 5 दिन का आपका पहला फेज होगा, फिर 6 से लेकर 10 तक होगा, फिर आपके 13 से लेकर 17 यानी 17 मई को आपका पूरा जो फेज एग्ज़ाम का वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद में अगले ने ये भी दे दिया DGT ने कि रिजल्ट डिक्लियर, यानी आपका 2 वीक के अंदर, यानी आपका जून है तो जून में आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये भी अच्छी खबर है आपके लिए। साथ ही दोस्तों, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, तो आपके हॉल टिकट सभी जारी कर दिए जाएंगे। और एक चीज़ और क्लियर कर दी है कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपके कॉलेज से लगभग 25 किलोमीटर के दायरे में किया जाएगा, यानी घर से नहीं, ओनली कॉलेज से। तो ये था आपका एग्ज़ाम। तो फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर 2022 वाले बच्चे सोचे कि हमारा एग्ज़ाम है, उनका एग्ज़ाम नहीं है, ये एग्ज़ाम 2018-20 सेशन और 2019-21 सेशन वाले बच्चों का एग्ज़ाम होगा CBT वाले, जिनका एग्ज़ाम छूट गया था वो भी बता रहा हूँ, ड्यू वाले बच्चे का नहीं है एग्ज़ाम, जिन बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया एग्ज़ाम नहीं हुआ था उन बच्चों का ये एग्ज़ाम होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।